ध्यान करके हम लोग भर्सना करते हैं। आए दिन व्यापारियों की जिस प्रकार हत्या की जा रही है या हो रही है या प्रशासन उसमें संलिप्त है, अब हम लोग मन बना चुके हैं कि अब इस हत्या को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। आने वाले समय में हम लोग अपना व्यवसाय व्यापार बंद कर सकते हैं और बंद करके जिला प्रशासन के सामने में अपनी चाबियां दे सकते हैं। हम लोग आए दिन मारे जा रहे हैं, ये कितनी शर्म की बात है। और हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सिर्फ हम लोग को वोट के समय में खोजते हैं, वोट के बाद हम लोग से उनका कोई मतलब नहीं होता है। सरकार चलती है हमारे पैसे से, सरकार का काम चलता है हमारे पैसा से, लेकिन आज हम निहत्ते हैं। हमारे पास कोई शस्त्र शास्त्र नहीं है जिसके कारण हम अपना बल प्रदर्शन प्रयोग कर सके। हमेशा प्रशासन ये आश्वासन देता है कि जितने व्यापारी लोग आर्म्स लेना चाहें हम सबको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब कांड होता है और वो दो चार दिन चलता है उसके बाद वो टाइटा खुश हो जाता है। अब हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग आज एक आपातकालीन बैठक करेंगे, उस बैठक में आने वाले समय में कहा से ही चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन की रूपरेखा जो भी तय होगी आप लोग हम बताएंगे। हत्या के विरोध में आज संपूर्ण व्यवसायी संगठन की ओर से ये बंदी का आह्वान किया गया है। जिला प्रशासन के आरक्षी अधीक्षक का जब तक तबादला नहीं होगा हम लोग चरणबद्ध इस बार आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं और हम लोग आंदोलन करेंगे। और हम लोग माननीय आईजी साहब कल आए थे, दुख की बात है तो अपने एसआई से मिल करके गए लेकिन हमारे व्यवसायी के यहाँ उनको आना मुनासिब नहीं समझे। हम माननीय डीजेपी से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, चाहे ऐसे निकम्मा आरक्षी अधीक्षक का तबादला 24 घंटे के अंदर में करे, अन्यथा ये चरणबद्ध आंदोलन व्यवसायियों का चालू रहेगा, अनवरत जारी रहेगा। आपका अगला अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।